हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री. वन टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंथेसिस मिथाडोन का. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो डाईफिनाइल एसिटोनाइट्राइल और डाईमिथाइल अमीनो क्लोरोप्रोपेन, ये दोनों के बीच में कंडेंजेशन होगा, इसकी वजह से HCl रिमूव हो जाएगा. तो ये HCl जो है यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर Cl के बाद द्वारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे H की जगह पे अटैच हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, उस आप कलर वाला कलर को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि HCl यहाँ से निकल जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच हो जाता है. ठीक है, और ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डाईफिनाइल एसिटोनाइट्राइल एंड डाईमिथाइल अमीनो क्लोरोप्रोपेन के बीच में कंडेंजेशन होगा, जिसकी वजह से HCl रिमूव हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट बनेगा. उसके बाद क्या होगा कि जो CN ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस होगा. उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो हाइड्रोलिसिस है वो NaOH और C2H5MgBr की प्रेजेंस में होगा और HCl भी यहाँ पे रहेगा. तो ये जो CN है वो कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C2H5 ऊपर अटैच हो जाएगा. ठीक है, और HCl यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक ही चेंज आपको करना है CN के ऊपर, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे CN में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 ऊपर अटैच हो जाएगा और HCl यहाँ साइड पे अटैच हो जाएगा. तो ये बन गया हमारा मिथाडोन HCl, इट मीन्स मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, थैंक यू.